की सब है धोखा धोखा, एक ही रंग दोनों में साझा, तू ही हीर है तू ही रांझा, तू ही पगड़ी तू ही चुनर, तू ही दरिया तू ही गागर, खुशी आज सपना बन गई, सुख चैन शांति हमसे बिछड़ गई, हम दौड़ते तो जा रहे हैं मगर मंजिल किधर गई, क्या पा लिया क्या खो रहे हैं कुछ भी खबर नहीं। सच्चे संगीत और अच्छे विचारों के द्वारा आपके जीवन को बदलने आ गए हैं हम मोहे रंगदे के संग। स्वागत है मोहे रंगदे के पांचवें हफ्ते में। पिछले चार हफ्तों में मोहे रंगदे ने हिंदुस्तान में एक नई लहर एक नई चेतना जगा दी है संगीत के माध्यम से। आज हम अपने पांचवें हफ्ते में पहुंच चुके हैं। आज के इस सफर को शुरू करने से पहले एक नजर पिछले हफ्ते पर। कल मोहे रंगदे के मंच पर हमारे साथ थे संगीत और अभिनय की दुनिया का जाना माना नाम श्री शेखर सेन जी। मुश्ताक के सूफी कलाम का ऐसा जादू चला कि तीनों गुरुजन बह गए मुश्ताक के सुरों की धारा में। फिर से आ गई है फैसले की घड़ी और आज से कोई एक एलिमिनेट होने वाला है। हमने कुछ अलग फैसला किया है आज कि आज की रात किसी को भी एलिमिनेट ना किया जाए। और अब बात नया हफ्ता नए दिन की। आज हमारे साथ है आठ सुरीले रत्न जो बहुत से सपने संजोए फिर से तैयार है अपने सुरों की परीक्षा के लिए। लेकिन उनकी परीक्षा शुरू करने से पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजनों का। जोरदार तालियां हमारे पहले गुरुजन संगीत जगत की महान हस्ती गजलों के शहंशाह श्री जगजीत सिंह जी। और अब सूफी के शहंशाह हम सबके दिलों पर राज करने वाले श्री हंसराज हंस जी। आज हम संगीत के साथ साथ बात करेंगे सपनों की। आठ सुरीले रत्नों के बहुत से सपने जुड़े हैं मोहे रंगदे से। आज देखते हैं कि किसके सपनों को मिलते हैं पंख और वो उड़ जाता है सुरक्षा सेतु की ओर। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सुरीला सफर। सबसे पहले बुलाते हैं हमारे पहले रत्न गुलाबी नगर के गुलाबी रंग में रंगे रहमान को। अच्छा ये बताइए आपके मोहे रंगदे से जुड़े हुए क्या सपने? एक सपना तो जो पूरा हुआ कि मैं मोहे रंगदे जैसे शो में आ चुका हूँ और आज एक पहचान मिली कि यार बोलते हैं लोग बाग यार आपको प्रज्ञा चैनल पे देखा और अच्छा लगा आपका गाना, तो ये एक बहुत बड़ी पहचान मिली उसका बड़ा करम है और प्रज्ञा चैनल का भी शुक्रिया अदा करूँगा ऐसा एक प्रोग्राम निकाला जिससे हमारी पहचान बनी। ठीक है रहमान ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। पार लगा दे मेरे सपनों की नैया सुना
चंदा सललना जैसे यशोदा का कृष्ण कन्हैया ओ गंगा मैया ओ गंगा मैया पार लगा दे मेरे सपनों की नहीं ठीक है अच्छा नहीं था मुझे कभी अपना गाना अच्छा ही नहीं लगा चलिए गुरुजनों से पूछते हैं उन्हें कैसा लगा जगजीत सिंह जी आपने अभी अभी सीखा लगता है ये हाँ सर आपकी आदत में नहीं ये गाना नहीं सुना तो था मैंने आज ही एकदम ये राधा बाना के यार ये गाना है अच्छा गाया शुक्रिया थैंक यू सर हंस जी थके हैं थोड़ा बहुत तो कोई नहीं नो प्रॉब्लम अगला गीत जरा मूड से गाना और सिलेक्शन में थोड़ा सा क्योंकि अगर अभी अभी राधा बने तो फिर वो राधे नहीं आते वो वाले रूदारी वाले तो थोड़ा सा सोच के बिल्कुल सर ऑल द बेस्ट यू रहना शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया और अब बारी है हिंदुस्तान के भजन सम्राट की शिष्या मोहे रंगदे की दूसरी रत्न जया अच्छा ये बताइए जया आपके जो कि हम संगीत के साथ साथ सपनों की बात कर रहे हैं आज आपके संगीत से जुड़े हुए मोहे रंगदे से जुड़े हुए क्या क्या सपने हैं यही एक अकेला शो ऐसा है जिसमें नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे डे बाई डे वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट तो मैं इस मंच से यही मेरी आशा है और सपने हैं कि जो लोग निराशावादी हो चुके हैं या जो होप्स अपनी छोड़ चुके हैं वो शायद इस मंच की वजह से वापस पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे क्यों नहीं जया आपका सपना जरूर पूरा होगा ऑल द बेस्ट तुम बिन पाऊं कैसे चैन
बहुत अच्छा गाया आपने। आपको कैसा लगा? थोड़ा सा डर है। थोड़ा सा डर है? डर किस बात का है जया? थोड़ा सा गले में खराश है तो वो। नहीं नहीं, आज गला तो साफ है एकदम। थोड़ी सांस मेरे को लगी कहीं उखड़ी हुई, थोड़ी सी खराश ज्यादा हो रही है, खांसी है थोड़ी सी। बहुत अच्छा गाया, बेस्ट ऑफ लक, रियाज करते रहो। हाँ जी, गला खराब हो तो पता चलता है, लेकिन आप वहां से सोच के ना हो कि गला खराब है। फर्स्ट क्लास, आप इतनी वॉइस क्वालिटी और रेंज आपका बाकमाल है। वही वही रखो एनर्जी, वही रखो। इसमें एनर्जी की भी कमी थी इस बार थोड़ी सी। बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू जया, ऑल द बेस्ट। हमारे 8 सुरीले रत्नों के साथ मोहे रंगदे का भी एक सपना है कि वो सच्चे सुरों और सच्चे विचारों को हर इंसान तक पहुँचाए। हम थोड़ी देर में लौट कर आएंगे और रंग देंगे आपको फिर से मोहे रंगदे के रंग में। स्वागत है फिर, जुड़ जाइए दिल से। चैन, सुकून और आनंद की ओर ले जाने वाले पहले कदम मोहे रंगदे से। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाने रहमान और जया के सपने और उन सपनों को पाने की उनकी कोशिशों के बारे में। आइए अब आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि हमारे गुरुजन हंसराज हंस जी के सपनों की कहानी। मैंने बहुत बड़े ख्वाब तो देखे नहीं थे, लेकिन जो देखे थे वो भगवान की दया से, आप लोगों की दुआ से पूरे हुए, और जितना मांगा था उससे बहुत ज़्यादा मिला। जो जो भी मैंने सपना देखा था वो पूरा हुआ। और आजकल तो ये हाल है, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको हमारी खबर नहीं आती। बहुत खुश हैं। बाकी मैटेरियलिस्टिक तौर पे, दुनियादारी के तौर पे सोचें तो कोई दुनिया की नेमत ऐसी नहीं है जो मुझे भगवान ने नहीं दी। ये शुक्र है उसकी ज़ात का। और अब मोहे रंगदे में वो रत्न आ रहा है जो जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजर चुका है, रंग रहा है हमें अपने सुरों के रंग में। हर तरफ है उसके सुरों की बात। ये है जयपुर के मुश्ताक। अच्छा ये बताइए मुश्ताक, आपके क्या सपने हैं संगीत को लेकर? संगीत को लेकर यही कि मैं भी संगीत में तरक्की करूं और मेरा भी नाम हो, और जैसे आज मैं मेरे पापा दादाजी के नाम से पहचाना जाता हूं जी, उतना ज़िंदगी पहचाना जाऊंगा। ऐसे ही कभी लोग ये भी कहें मुश्ताक के पापा है, मुश्ताक के दादाजी हैं, ये तमन्ना है। ऐसा ज़रूर होगा मुश्ताक, ऑल द बेस्ट। वो बद नसीब हैं जिन्हें गम ना गमार है, वो बद नसीब गवार है, ये तो दलील रहमत परवर दिगार है। बद नसीब हैं जिन्हें गम नसीब
अल्फाज में जजी जाने गुरुजन। बावजूद इसके कि आपका गला जरा बैठा हुआ है, थका हुआ है, गाया अच्छा आपने, क्योंकि कॉन्शियस होकर गाया। जब गला ख़राब होता है आदमी का तो कॉन्शियस हो जाता है ना, तो उसमें सुर वो ठीक लगते हैं। बाकी वो आवाज़ फट रही है कोई बात नहीं। चलो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखो कितनी बेफिक्री से लय को भी बेफिक्र होकर गा रहे थे और सुर का भी बहुत अच्छा आवाज़ बोल रहा था खराब होने के बावजूद। बाकी अल्फाज बहुत अच्छे हैं। वो बदनसीब है जिसे गम ना गवार, क्योंकि कहते हैं कि दर्द जब तेरी अता है तो गिला किससे करें, हिजर जब तूने दिया है तो मिला किससे करें। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मुश्ताक। ऑल द बेस्ट। मुश्ताक के बाद अब बारी है मोहे रंगदे के उस रत्न की, जो जब भी आती है अपने सुरों के साथ, अपनी बातों और विचारों से हम सबका दिल जीत जाती है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिल्ली की अदिति का। अच्छा अदिति, ये बताइए आपके क्या सपने हैं और उन सपनों को पाने के लिए, उन्हें अचीव करने के लिए आप क्या कर रही हैं? मेरा सपना है कि मैं बहुत अच्छी एक म्यूजिकोलॉजिस्ट बनूं, क्योंकि अब म्यूज़िक सिर्फ एक ओरल ट्रेडिशन तक ही नहीं है, इसके ऊपर बहुत ही, ये अपने आप में एक अलग उभरती हुई ब्रांच है, एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। तो मैं गाने के साथ साथ इस पर रिसर्च भी करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा और डिफरेंट सपने आ रही थी। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। Oh,
बहुत बहुत खूब आ रही थी, बहुत अच्छा गाया. थैंक यू. आपको कैसा लगा? मैं मगन होके गा रही थी. गुरुजन, थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज लगा आपका गाना ये आपके लिए. वो जबरदस्ती गा रहे थे ऊपर आप. नहीं, वो जो ब्यूटी है आपकी आवाज की नीचे की सुरों की, वो तो आपने दिखाई नहीं इसमें. नहीं, अच्छा गाया, ठीक है. ताल भी मुश्किल है, दीपचंदी में गाया आपने और आग भीम प्लस ही है ना. हाँ जी. चलो, गुड लक टू यू. थैंक यू. थैंक यू सर. हाँ जी, आर्टिस्ट सारे अच्छे हैं क्योंकि बड़े दिनों से मिल रहे हैं और सभी प्यारे हैं हमें. लेकिन अदिति की ये खासियत है कि शेरनी की तरह बोल जैसे पकड़ रही थी इस ठेके में. और टूने वाला बहुत ही खूबसूरत मुझे बात लगी. बंदा क्या क्या नहीं करता अपने सज्जन को, महबूब को, गुरु को मनाने के लिए. अदिति जीते रहो, तुम गवैया हो, इस बात को मान के चलो. ओके, ठीक है. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू हर्ष जी. थैंक यू अदिति. ऑल द बेस्ट. हम आज आकाश में उड़ सकते हैं, ये भी कभी एक सपना ही था. हम आज दूर बैठे हुए इंसान से बार कर सकते हैं, ये भी एक सपना ही था. आज हमारे 8 सुरीले रत्न ऐसे ही कुछ सपनों को पूरा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं. देखते हैं किसके सपनों को मिलता है मौका सुरक्षा सेतु पर जाने का. जुड़े रहिए हमसे, हम फिर आएंगे और रंग देंगे आपको मोहे रंग दे के रंग. स्वागत है फिर से. जुट जाइए दिल से, चैन सुकून और आनंद की ओर ले जाने वाले पहले कदम मोहे रंग दे. सुरों के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारे 5वें रत्न यानी कि बंगाल के सजीले सुरीले तन्मय को. सो प्लीज वेलकम तन्मय. तन्मय, जैसा कि आप जानते हैं आज हम सपनों की बातें करें, तो ये बताइए कि मोहे रंगदे से जुड़े हुए आपके क्या सपने? मोहे रंगदे में आकर मेरा 2 सपना पूरा हुआ. एक तो है इन जैसे गुणीजनों के सामने आके परफॉर्म करना, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे लिए. और दूसरा है मैं प्रज्ञा चैनल के थ्रू लोगों को गाने के जरिए आनंद दे रहा हूँ. तो आपने जो सपने देखे थे वो पूरे हो गए. हाँ, थैंक यू तन्मय एंड ऑल द बेस्ट. Terus.
बहुत अच्छा गाया तन्मय आपने. थैंक यू. तन्मय, आप हमेशा परसेंटेज में बात करते हैं, तो आज आप अपने गाने को कितने परसेंट देते हैं? 95. गुरुजन, हदायत की थी, सजेशन दिया था, समझाया था कि छोटा सुर रख के आराम से गाओ. अब कैसे लग रहा है आपको? एकदम इसने बात मानी, खुद भी सुखी, ये संगीत परिवार भी सुखी, हम भी सुखी, हमारा सुखी परिवार हो गया. ठीक है, ऐसे कोशिश करते रहना चाहिए, आखिर बंदा कामयाब हो जाता होगा और इंशाल्लाह आप होंगे कामयाब. थैंक यू हंस जी. जगदीश सिंह जी, तन्मय, गाना वाना सीखा तो है नहीं आपने? नेचुरली गाते हो? हाँ सर. है ना? हाँ सर. तो ये जो अभी आपने सिलेक्शन की, इसके लिए आपको क्लासिकल सीखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा गाना कच्चा है. टैलेंट है तुम्हारे में, उसको तीखा करना है, पॉलिश करना है, ट्रेंड करना है. समझ गए? थैंक यू तन्मय, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. हम आज संगीत के साथ साथ सपनों की भी बात कर रहे हैं. चलिए जानते हैं कि अपने सुरों से सारे जग को जीतने वाले श्री जगजीत सिंह जी का क्या सपना है. सर, एक सपना था कि बड़े होके प्लेबैक सिंगर बनेंगे, तो वो सपना पूरा हो गया, प्लेबैक सिंगिंग कर ली. म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे, वो भी हो गया पूरा. उसके बाद सपना था कि कोई बड़ा अवार्ड मिले, तो कई अवार्ड मिले. तो ये तो इच्छाएं हैं आदमी की, जैसे जैसे इसकी कोई एंड नहीं है सपनों का. हाँ, तो कहीं ना कहीं सपनों को एंड लगाना चाहिए. छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार. तो अभी सपना सिर्फ यही है कि हेल्थ ठीक रहे और गाना ठीक रहे, बस. थैंक यू सर. और अब बारी है मोहे रंग दे के छठे रत्न की. पा रहे हैं मारवाड़ राजस्थान के धनंजय. प्रज्ञा चैनल की ये जो मुहिम है मोहे रंग दे, उससे जुड़े हुए आपके क्या सपने? इस प्रोग्राम से जुड़े हुए सपने तो सिर्फ यही हैं कि मैं प्रोग्राम पूरी कामयाबी के साथ इसको करूं और इसको जीतूं. आपका सपना जरूर पूरा हो जाएगा धनंजय, ऑल द बेस्ट. तन तंबूरा तार मन तन तंबूरा तार मन अद्भुत है ये साज, हरि के कर से बज रहा हरि की है आवाज. तन के तंबूरे में दो लगी लीलाधारी से जगिर जगमग ज्योति जगिर जगमग ज्योति. लगन लगी लीलाधारी से जगिर जगमग ज्योति जगिर जगमग ज्योति. राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का मोती लगिर जगमग ज्योति. जय राम राम जय राधे श्याम.
बहुत खूब थी अंजय, बहुत अच्छा गया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। गुरुजन? धनंजय बाबू, ईमानदारी से बोलो कैसा लगा? ठीक ठीक लगा, अभी अच्छे, तो अच्छे से कम थोड़ा सा। नहीं, जैसा तुम गाते हो, जैसा गा सकते हो, वैसा नहीं हुआ, थोड़ा सा बेरस सा लगा आज। नेक्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट गाना। एंड आई विल सिंग डिफरेंट। तंबूरे की वाली क्या बात है, तन का तंबूरा शुरू कहाँ से होता है? तन के तंबूरे में सांसों के दो तार बोले। ओके, जय सियाराम, जय राधेश्याम। दो तार कौन कौन से हैं? एक सियाराम का तार और एक राधेश्याम का। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू हंस जी, थैंक यू धनंजय, ऑल द बेस्ट। मोहे रंगने की कोशिश है कि वो आप सबको वो सपना दिखाए जहाँ रंग हो भाईचारे का, रंग हो प्रेम और सौहार्द का, रंग हो सुख चैन और शांति का। हमारी ये कोशिश, हमारा ये सपना जारी रहेगा। हम एक बार फिर से लौट कर आएंगे और रंग देंगे आपको मोहे रंग दे के रंग। जुट जाइए दिल, चैन सुकून और आनंद की ओर ले जाने वाले पहले कदम मोहे रंग दे। मोहे रंग दे के बारे में आपके कोई भी विचार या कोई भी सुझाव हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है moherangde@pragyatv.com। और अब अपने सपनों को साकार करने आ रही हैं मोहे रंग दे की सबसे छोटी और बहुत ही सुरीली सोनिया। अच्छा, ये बताइए मोहे रंग दे को लेकर आपके क्या सपने हैं? कंपटीशन में थोड़ी आगे तक जगह बना सकूं, जीतने तक की बहुत दूर की बात है, पर अच्छा गाऊं और आगे तक जाऊं। ऑल द बेस्ट।
हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत अच्छा गाया गुरुजन। सोनिया के बारे में क्या बोले, अच्छा ही गाती है हमेशा। थैंक यू सर। किसका लिखा हुआ कलाम है, किसकी कंपोजिशन है? सच कंपोज किया है जयदेव कुमार जी ने, और लिरिक्स है गुरदास मान जी की, और गाया अच्छा। भी गुरदास मान जी ने। चलो वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। देखो उम्र छोटी है, बातें कितनी बड़ी कर देते हैं, इनसे ये भी नहीं पूछ सकते इसका मीनिंग क्या है। 13 साल का बच्चा गा रहा है, कतरा मिला समंदर से तो समंदर हो गया। आगे क्या था? आशिक मिला जो मौत से कलंदर हो गया। 13 साल की उम्र में क्या क्या कलाम गा रही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू सोनिया, ऑल द बेस्ट। 8 में से 7 सुरीले रत्न अपनी परफॉर्मेंस दे चुके, सिर्फ एक रत्न बचा है और ये है हमारे नानू। नानू ये बताइए आपके क्या सपने हैं? परिवार में हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। 3 भाई थे, मुझसे बड़े वाले भैया जो मेरे भाई है वो एक्सीडेंटली एक्सपायर हो गए कुछ सालों पहले। वही थे जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, उनके 2 बच्चे हैं, बस उनके लिए जो करना है मुझे, कुछ सपने उनके लिए सजा रखे हैं, कोशिश करूँगा वो सफल हूँ उसमें। ज़रूर सफल होगा। अब तो मां है सबको, फिर भी अपना अंजाम तो मालूम है सबको, फिर भी अपने नजरों में हर इंसान सिकंदर के दौर में है दोस्त ये मंजर क्यों है, आज के दौर में है दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पे हर एक हाथ में पत्थर क्यों है, आज के दौर में है दोस्त ये मंजर क्यों है। जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहे जमी पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है, जख्म हर सर पे हर एक हाथ में पत्थर है दोस्त।
ये मंजर क्यों है। क्या बात है नानी, बहुत अच्छा गाया आपने, लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। जगजीत सिंह जी, अपना अंजाम तो मालूम है सबको, लेकिन अपनी नजरों में हर इंसान सिकंदर, सिकंदर क्यों, क्यों, है? क्यों है? तो तुमको अपना अंजाम मालूम है? हाँ, पता चल गया अभी। अच्छी कोशिश की, अच्छा गाया। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी नानू जी, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, हर सुर में ये रंग धनक का तेरे नाम, तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम। क्या बात है सर। दुख के गहरे नीले समंदर में खावर, उसकी आंखें एक जजीरा तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। क्या बात है। हर सुर में ये रंग धनक का तेरे नाम। ये आपके गुरुजी के नाम है, हमारे गुरुजी के नाम है, जगत के गुरु के नाम है। सपने सबके होते हैं ये सच है, मगर सबके सपने सच हो ये सच नहीं। सपना उन्हीं का सच होता है जो अपने सपने की मूरत बनाकर एकलव्य की तरह जुट जाते हैं उसे हासिल करने में, जो अर्जुन की तरह सपनों को मछली की आंख समझकर लक्ष्य बना लेते हैं। सपना उन्हीं का सच होता है। देखते हैं कि आज सुरीले आठ रत्नों में से कौन बनकर निकलता है, एकलव्य या अर्जुन, और प्राप्त करता है सुरक्षा सेतु को। आइए बुलाते हैं हमारे बाकी के सात रत्नों को। जया, कौन जाएगा सुरक्षा सेतु पर? मेरे हिसाब से नानू भाई को आना चाहिए। सोनिया, आपको क्या लगता है? मेरा ये जवाब है कि सबने बहुत ही अच्छा गाया है, तो सब लोग डिजर्व करते हैं, जो भी आएगा सही फैसला होगा। धनंजय, दिल पर छा जाने वाली जो गज़ल अभी नानू भाई ने गाई, उसकी रूह ये कहती है कि वही सेतु पर हैं, और बहुत खुशी होगी अगर वो आएंगे तो। अदिति, जया दीदी ने अच्छा गाया, बहुत अच्छी रेंडरिंग थी उनकी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वो गा रही थी गाना सुनकर। हाँ जी। नानू, जया और रहमान, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप तीनों में से कोई भी सुरक्षा सेतु पर नहीं। तन्मय, धनंजय और सोनिया, आप तीनों में से सुरक्षा सेतु पर कोई भी नहीं है। तो अब हमारे पास है मुश्ताक और अदिति। अदिति, क्या लगता है? सीक्रेट रिवील करिए ना। मुश्ताक, आपको क्या लगता है? अभी तक समझ में नहीं आ रहा जो अचानक की मर्जी हो। इस बार सुरक्षा सेतु पर आदिति और मुश्ताक में से मुश्ताक है। कांग्रेचुलेशंस मुश्ताक। सात सुरीले रत्नों के साथ हम कल फिर लौटेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन कदम बढ़ाता है अपनी मंजिल की तरफ। कल फिर इसी मन से सुनाई देगा हिंदुस्तान को सच्चा संगीत, अच्छे विचार और मन को सुकून देने वाले सुर। कल तक के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। तब तक कोरे मन से, कोरे तन से कहिएगा हमसे मोहे रंग दे। आप उम्र में बेशक यंग हैं, आपकी आवाज में पुख्तगी वो है, तो आपके लिए हमारी ढेर सारी दुआएं। मांगत तुलसी दास कर जोरे। और तुम्हारा एकदम क्लासिकल बेस है ना, तो अप्रोच भी तुम्हारी, सुर लगाने का ढंग जो है वो भी क्लासिकल का है, तो आपको बच्चों के साथ कम्पीट नहीं करना चाहिए तुमको। यहाँ पे मैं एक होटल में गाता हूँ,
लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ। यहाँ से पहले मैं वही होटल में ही था। मंजिल न दे चरा